मुंबई के अंधेरी इलाके में आयोजित एक बैठक के दौरान नेशनल चाइल्ड वुमन डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन दवे ने देश विदेश से आए संस्था के सदस्यों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु यह संस्था आगे किस प्रकार कार्य करेगी उसकी रणनीति पर चर्चा किया। NCWDC के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेन दवे जी का वरिष्ठ समाज सेविका सायरा खान ने मुंबई में जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी, नेशनल चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट काउंसिल NCWDC की ओर से और नेशनल माइनॉरिटी एंड वेलफेयर काउंसिल की ओर से आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र और मुंबई का दौरा के खास बात यह है कि चाइल्ड और वुमन के लिए जितना भी उनके राइट्स के लिए वायोलेशन होता है और वो वायोलेशन के लिए जो अवेयरनेस करनी चाहिए उसके लिए, और साथ साथ हमारे जितने भी संगठन हैं जो कि इंडिया के सबसे पहले टॉप 10 में से टॉप 7 में आते हैं, उनको मजबूत करने के लिए मेरा ये दौरा है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा सबका अच्छा हो, सबका भला हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, हम सेक्युलर लोग हैं, हमेशा सबको साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब बच्चे और महिला और बाल की बात आती है और जब भी माइनॉरिटीज़ की बात होती है तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, एक अवेयरनेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हमने कोर कमेटी की एक बैठक बुलाई है और उस कोर कमेटी में हम चर्चा करेंगे और संगठन को और जो भी आगे जो भी लोग हैं जिनको कोई भी तरीके से वो जो दबे हैं, कुचले हैं, बिछड़े हैं, उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमेशा मेरा प्रयत्न रहेगा और ये मेरा वादा है। और वादा राजनीति की तरह नहीं है क्योंकि ये सब नॉन पॉलिटिकल है। तो हमेशा मेरा यही वादा है आप लोगों से, जो भी होगा अच्छा होगा, पर हम हमेशा वही लोगों के साथ में हैं जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, बिछड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेन दवे जी का, और साथ ही साथ मैं अपने सारे फ्रेंड्स और कलीग्स जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको भी वेलकम करती हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि वीरेन जी यहाँ पे अपना मतलब टाइम निकाल के आए हैं मुंबई के दौरे पे, और हम लोग चाहते हैं कि संगठन बहुत ही मजबूत बने। हमारे साथ बहुत अच्छी टीम जुड़ी है, अभी नए लोग जुड़ रहे हैं, तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन और चाइल्ड के लिए। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब साथ दो और एक अच्छी मजबूत टीम बनाओ। थैंक यू। जी मैम, जी मेरा नाम सोनू हांडा है और मैं वुमेन एंड चाइल्ड में जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबके साथ मिलके काम करती हूँ और काम करना चाहती हूँ। थैंक यू। भाई लोग, आप लोगों के बात नमस्ते, और वीरेन जी को नमस्ते, वेलकम टू मुंबई जी। नमस्कार। हाँ जी, और मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे आकर ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरी पहली मीटिंग है, आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं सरगम एज अ एक्टर हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, सीरियल्स, सॉन्ग्स, एल्बम्स, इवन फैशन शोज करती हूँ, मिस गुजरात रह चुकी हूँ और अभी न्यू सिरे से इस काम में एंट्री की है मैंने। तो वीरेन जी को इस चीज़ का बोलते हैं ना, सब चीज़ का पूरा मुबारकबाद इनको दूंगी इस बारे में, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि इस बारे में कि आप आएँ ह्यूमन्स एंड चाइल्ड्स के लिए कुछ काम करें, और मुझे खुशी होगी इस बारे में कि मैं अगर कुछ कर पाई। ये मेरी पहली मीटिंग है इंट्रोडक्शन की और इसी के लिए मैं ख़ास तौर पे आई हूँ कि जो भी तकलीफ है, परेशान है, औरत हैं या बच्चे हैं, जिनको हमारी तरफ से जो भी हेल्प मिल सकती है हम उसके लिए रेडी हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमें अप्रोच करें। अगर उनके उनके हक में जितनी भी लड़ाई हो, जो भी बातचीत हो, हम उनके लिए खड़े हैं, जब बोलें रात या दिन कभी भी, वी आर रेडी। तो सबसे आपके, आप खास करके मीडिया, यू आर द ग्रेट पीपल एंड यू नो हाउ टू पुट द थिंग्स आउट, यू नो, जब बाहर लेके जाना हो बातें हमारी, तो आप ही लोग हैं मेन माध्यम पब्लिक और हमारे बीच की। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप हमारे ये जो शो है या जो भी परफॉर्म हो रहा है सबके बारे में आप अच्छे से लिखें और हमें प्रोत्साहन करें कि हम ज़्यादा काम कर सकें। थैंक यू सो मच, आप लोगों से भी मिलकर खुशी हुई और आप सबसे मिलकर खुशी हुई। तो मुझे भी आप गुड लक दीजिए कि मैं ये ह्यूमन एंड चाइल्ड के लिए जो भी काम करना है आगे अच्छे से कर सकूँ। थैंक यू। मेरा नाम रोज़ी ईरानी है,
और चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के चेयरपर्सन हूँ मुंबई महाराष्ट्र के। और बहुत सारा हम लोग सोशल वर्क मीरा रोड मुंबई से करते हैं हम लोग। और एज अ प्रोफेशन आई एम अ टीचर, बट फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर बीरेन दवे जी, अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर संगठन। इतना बड़ा संगठन, उनके बहुत सारा संगठनों में वो अध्यक्ष हैं और बहुत एक्टिव मेंबर है एंड अ वेरी व्हाट यू कॉल डाउन टू अर्थ पर्सन। सो आई रियली फील प्राउड टू वर्क विद देम ऑलवेज। उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे संगठन में बहुत सारे लेडीज़ अभी भी जुड़ रहे हैं और हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। वी डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क, सोशल वर्क इन द सेंस कि एजुकेशन के बारे में, लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके डिफ़िकल्टीज हैं, हम उसको सॉल्व करते हैं और एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। और ये सब इज बिकॉज ऑफ बीरेन दवे सपोर्ट ऑल्सो, मोस्टली उनका सपोर्ट। हमेशा कभी हम फ़ोन करें या बोलें कुछ मैटर के लिए, वो तैयार रहते हैं, हम है आपके साथ में करके, ये चीज़ हमको एक इंकरेजमेंट मिलता है। तो वी आर रियली हैप्पी टू बी विद मिस्टर बीरेन दवे जी एंड सर वेलकम अगेन टू मुंबई, ग्लैड टू हैव यू हियर विद अस एंड ऑल ऑफ यू। मैं राधिका ठाकुर महाराष्ट्र की नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन की प्रेसिडेंट हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरेन दवे जी यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। और मैं उनके साथ अभी एक साल हो गया मैं जुड़ी हूँ। उनका जो भी चाइल्ड और वुमेन के लिए जो भी उनकी सोच है वो मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रही, इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। और मैं हम सब मिलके एक अच्छा चाइल्ड और वुमेन के लिए जो भी हम कर सकें वो हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं आज। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े वही हमारी कोशिश है और हम प्रॉब्लम सबके धीरे धीरे सॉल्व करते रहे। नाम है सोनाली संजय चौबल और आई एम मुंबई प्रेसिडेंट फॉर नेशनल चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। और सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरेन दवे सर का मुंबई में वेलकम करती हूँ। और ये जो हम लोग के संगठन की मीटिंग है उसके बारे में वो हमको मार्गदर्शन देंगे और उनके विचार आगे तक लेके जाके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों को हम हेल्प करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, इसी इच्छा रखती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।